वाई के टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाई के टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज। बिसाइड सफीना होटल कोटला लीजा हैदराबाद। हाय नाजिर, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हैदराबाद के एमपी और एआईएमएम पार्टी के सुप्रीमो पारेश असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि तेलंगाना में इन्होंने 7 जगह पर जाकर बीआरएस की तहत की, जिसमें से 6 जगह पर बीआरएस पार्टी की जीत हुई है और 1 जगह से कांग्रेस जीत चुकी है। और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का ये भी कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, वहां तो मैं नहीं गया था। शायद राजस्थान 1-2 मरतबा गए थे, वो याद नहीं होगा असदुद्दीन ओवैसी को। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि मैं तो नहीं गया था, फिर वहां पर बीजेपी कैसे जीती। तो बहरहाल आइए असदुद्दीन ओवैसी और क्या कहा वो हम आपको दिखा दें। अभी 24 है, अभी 24 के लिए अभी से मत बाजा बजाइए, अभी टाइम है, आप देखिए क्या क्या होने वाला है, क्या होगा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, राजस्थान में हो गए, और मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि मैं नहीं दिखा वहाँ, तब भी बीजेपी जीत गई। तो ये तो कैसे हुआ नहीं मालूम, क्योंकि हर बार बीजेपी जहाँ जीतती है तो हमको ही इल्ज़ाम लगाते थे, तो हम नहीं थे वहाँ। सर, आप हमेशा से बीआरएस के फ्रेंडली अलायंस रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो आपका उनके साथ किस तरह से रहेगा आगे का प्लान, किस तरह से आप उनके साथ भी फ्रेंडली अलायंस में रहेंगे क्या? अब पहले इस इलेक्शन में तो हम मैं जो है तेलंगाना के इलेक्शन में 8 मुकामात पर मैं खुद पब्लिक मीटिंग किया था टीआरएस के लिए, 7 जगह पर बीआरएस जीत गई, 1 जगह पर कांग्रेस को, कहीं पर बीजेपी नहीं जीती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इत्तला के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका आप कई नतीजा निकाल सकते हैं कि सौदा हुआ नहीं हुआ, किससे हुआ नहीं हुआ, कौन पैसे दिया नहीं दिया, मगर हम तो पूरे इखलास के साथ ये कोशिश किए हैं, और आगे का क्या होगा कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, किस तरीके के हालात पैदा होंगे, कैसा होगा। अभी तो नई सरकार हुकूमत बनेगी और ज़ाहिर है हमको उनको टाइम देना पड़ेगा, नई गवर्नमेंट बनने के बाद उनको काम करने का मौका मिले, उसके बाद से हम देखेंगे। और मगर ये बात सच है कि हम एग्रेसिव अपोजिशन को रोल अदा करेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं उसको उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको पूरा करवाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए तेलंगाना। वाई के टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उमरा की खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाई के टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उमरा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उमरा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज्यारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाई के टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल कोटला लीजा हैदराबाद।